गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक इज आर्टिकल्स। द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउंस। Articles belongs to the class of words called determiners. These are demonstrative adjectives also, and articles are used before nouns. There are three articles: a, an, and the. A and an is called indefinite article because it gives a sense of uncertainty or indefiniteness. For example, when I say a man, it means any man. Or when we say a girl, it means any girl. And the is called definite article because it particularizes a person or thing and gives a sense of certainty. For example, when we say he ran after the thief, यहाँ पर thief से पहले the आया है, तो यहाँ ये thief को particularize रहा है कि एनी थीफ नहीं, द थीफ, कोई विशेष थीफ के लिए यूज हुआ है। एंड सेकंड एग्जांपल, द काउ इज वाइट, इट मीन्स कोई विशेष काउ के लिए द आर्टिकल आया है, कोई विशेष काउ है जिसका कलर वाइट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर बिफोर नाउन द का यूज किया गया है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलराइज करता है। नाउ वी कम टू द यूज ऑफ ए एंड एन इन डेफिनेट आर्टिकल्स। आपको ये पता होगा कि ए और एन का यूज किसी ऑब्जेक्ट को ये बताने के लिए, एक है, वन ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे मैंने कहा दिस इज ए बुक, यहाँ पर बुक नाउन है, नाउन से पहले ए आर्टिकल का यूज किया गया है। यहाँ पर ए शो करता है कि एक किताब है ये, दिस इज ए बुक, यहाँ पर यह एक किताब है। एंड व्हेन वी से दिस इज एन इंक पॉट, यहाँ पर इंक पॉट नाउन से पहले एन आर्टिकल का यूज हुआ है। तो यहाँ एन शो करता है कि एक इंक पॉट। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ए कहाँ यूज होता है और एन का यूज कहाँ होता है। तो यू शुड नो विथ ए वर्ड हैविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड वेदर द वर्ड बिगिंस विथ ए वॉवेल आर ए कॉन्सोनेंट। यदि
कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या वोवेल से शुरू होता है, लेकिन उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए एन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ए मैन, यहाँ एम कॉन्सोनेंट है तो ए मैन एक आदमी, ए बुक एक किताब, ए पेन एक कलम, ए बी ए एंड सेकेंड एग्जाम्पल जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वर्ड और वहाँ ए का यूज़ होता है तो उससे पहले भी एक आर्टिकल यूज़ होता है ए। फॉर एग्जाम्पल ए यूजफुल बुक, ए वन आइड डंकी, ए यूरोपियन, ए यूनिक बिल्डिंग। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए या ये मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो कॉन्सोनेंट से शुरू हैं उससे पहले एक ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए ए का यूज़ हुआ है, लेकिन कुछ वर्ड जो कॉन्सोनेंट से नहीं बल्कि वोवेल से शुरू हो रहे हैं वहाँ भी वन ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए ए का यूज़ हुआ है। तो आपको ये जानना होगा कि कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू नहीं हुआ है, शुरू वोवेल से हुआ है, लेकिन इसका जब हम प्रोनंसिएशन करते हैं तो जो साउंड मेरे मुंह से निकलती है वो कॉन्सोनेंट होता है, वो व्यंजन होता है, इसलिए वहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने कहा ए यूजफुल बुक तो यू यह जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। ए वन आइड डंकी, वन वह हमारा कॉन्सोनेंट है, साउंड हमारा व निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल यूज़ हुआ है। ए यूरोपियन, स्पेलिंग तो ई से शुरू है लेकिन प्रोनंसिएशन इसका कॉन्सोनेंट से हो रहा है, य से, इसलिए समटाइम्स वर्ड बिगिन विथ वोवेल्स बट देयर प्रोनंसिएशन becomes consonant, then we have to know we always use article to show one object A. Second example, when we say a 1 rupee coin or a one-eyed man, here you can see also word begins with vowels but its pronoun begins with consonant, so we use here article A. Now where we use an, we use an when word begins with a vowel sound or begin with vowel. There are 5 vowels in English alphabet: A, E, I, O, U. When we say an elephant, an ass, an ox, an ear, an owl, an elephant, an umbrella. Here word use with vowels, so we use here article an. And some words begin with consonants but we use here article an, not article a, because here pronunciation begins with vowels, not consonant. For example, when we say our, air,
ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनरेबल पर्सन, यहाँ पर आवर की स्पेलिंग एच से, एयर की स्पेलिंग एच से, ऑनेस्ट की स्पेलिंग एच से, ऑनर की स्पेलिंग यस से, ऑनरेबल की स्पेलिंग यस से प्रारंभ होती है। तो ये वर्ड जो है ये प्रारंभ तो कंसोनेंट से हो रहे हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवल से होता है, अ वॉवल में आता है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ये वर्ड भले वॉवेल से शुरू है, कंसोनेंट से शुरू है, लेकिन चूंकि प्रोनाउंसिएशन इसका वॉवेल से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज होगा। सेकंड एग्जांपल, व्हेन वी से एमे, यहाँ पर भी स्पेलिंग तो एम से शुरू है, लेकिन आर्टिकल ए एन यूज होगा। व्हेन वी से SDO, when we say MP, here word begins with consonant but their pronunciation begins with vowel, so we always use here article A, an, sorry. So today we have discussed about indefinite article A and an, where we will use A and where we will use an. Today you will read your book and once more try to understand about the indefinite article A and an, and tomorrow I will discuss about the definite article the. So today I finish our lecture and meet tomorrow. Thank you very much.